subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. कुछ दिनों पहले ही क्रिकेटर विराट कोहली क्रिकेट की IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। एक सीजन के लिए विराट की टीम उन्हें 17 करोड़ रुपए देगी। वहीं फुटबॉलर फिलिप कॉटिनो ने भी दो दिन पहले फुटबॉल की सबसे बड़ी डील अपने नाम की। वो स्पेनिश क्लब बार्सिलोना के साथ 1218 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कर तीसरे सबसे महंगे फुटबॉलर बन गए हैं। ये डील प्रीमियर लीग 2 ला लीगा के लिए हुई है। ब्राजील के फिलिप कॉटिनो की बार्सिलोना से खेलने की इच्छा पूरी हो गई है। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने उनसे 1218 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी एक साल के करीब 244 करोड़ रुपए मिलेंगे। 25 साल के अटैकिंग मिडफील्डर अब 5 साल तक बार्सिलोना से खेलते नजर आएंगे। बार्सिलोना ने 3044 करोड़ के रिलीज क्लॉज के तहत कॉटिनो से कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी अगर कॉटिनो 5 साल से पहले बार्सिलोना छोड़ देते हैं तो उन्हें स्पेनिश क्लब को इतने पैसे देने होंगे, या फिर जो भी क्लब उनसे करार करेगा वह बार्सिलोना को ये राशि देगा। कॉटिनो पिछले 3 साल से ब्रिटिश क्लब लिवरपूल के साथ थे। अब नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही वे दुनिया के तीसरे सबसे महंगे फुटबॉलर बन गए हैं। इससे पहले नेमार को पेरिस सेंट जर्मन ने बार्सिलोना से 1689 करोड़ में अपने साथ शामिल किया था। कॉटिनो को जनवरी 2013 में लिवरपूल ने इंटर मिलान से 73 करोड़ रुपए में खरीदा था। पहले सीजन में वे सिर्फ 3 गोल कर सके थे, इसके बाद उनका प्रदर्शन हर साल बेहतर होता गया। इन 5 सालों में वे 54 क्लब गोल कर चुके हैं। कॉटिनो ने इस सीजन में अब तक 18 मैचों में 12 गोल किए हैं। पिछले 7 मैचों में वे 6 गोल कर चुके हैं।